हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीर अहमद है और मेरे इस थर्ड ट्यूटोरियल में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। ओके, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने पीसी में एंड्रॉयड फ़ोन जो है जनरेट कर सकते हैं। जी बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सबसे पहले आपको उन्हीं की साइट पर आना पड़ेगा, आपको उन्हीं की साइट पर आना पड़ेगा। ओके जी, अगर आपको यहाँ तक आना है, मैं आपको इस बिगनिंग से दिखा देता हूँ कि आपको ये कहाँ से कैसे मिल सकता है। ओके जी, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, जो कि यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होगा अगर आप क्रिएट करते हैं, देखिए पहला स्टेप जी, मैं और मैं बिगनिंग से आपको दिखा देता हूँ। ओके जी, कोई बात नहीं। वो देखिए, आपको यहाँ पर आना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। जी जी हाँ, सेट इंस्ट्रक्शन ये पहला आप करेगा, आप यस कीजिए। अब आपके को ये पूछेगा, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। और थर्ड, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन को हम अभी प्रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सेटअप पे आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है विंडोज़, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा पहला। ओके, मैं उसके ऊपर ज़रा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो चीज़ है विंडोज़ की, ये आपको जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, मैं तो ब्लैक ही कर देता इसको। ओके, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कि ये सही वर्जन है। ओके ओके, ये आपको देना पड़ेगा वहाँ से। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड, जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, इसी तरह देखो, देखो मेरे स्क्रीन पे भी मैंने डाउनलोड पहले से किया हुआ है। ओके, ये हो गया। और फिर जब आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपको इस तरह ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। जब ब्लैक स्क्रीन दिख गई तो आपको अपने इस मेन पे आना है, जो जिस साइड पे है वहाँ पर आके कनेक्शन में जाके एमुलेटर पे क्लिक करना है। ओके, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे ना, ऑलरेडी मैं कनेक्टेड हूँ इसलिए वो जो है मतलब कि उस पर कुछ मतलब क्लिक कर नहीं सकता मैं एक्चुअली, उन्हें मेरे को रीसेट करना पड़ेगा जो कि थोड़ा टाइम लेता है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो दिखता भी कैसा है। ओके, सब घबरा ये नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए, ये इस तरह कुछ दिखता है। ओके, आप जो भी चेंजेस करेंगे ना, वो आपको बाकायदा जो है स्क्रीन पे चीज़ें जो आपको दिखाई देगी, ये देखिए। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं होता है कि होएगा, मैं आपको भी अभी करके दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए, ये रहा बटन, ये बटन को आप जो है यहाँ पर ला के रखिए, रख दिया आपने। अब आपको कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए, ओके, आपको कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, आप किस तरीके से उस चेंजेस को आप जो है कर भी सकते हो। ओके, फिलहाल तो मैं फोटो ओके, तो देखिए बटन्स पे आ गए। अगर आप स्क्रीन पे करेंगे तो स्क्रीन पे आ जाएंगे, ये तो बटन्स पे हमें चेंजेस करना है, इसलिए हम बटन्स पे आएंगे। बटन्स पे यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लिखा है, आप कुछ भी जो चाहिए आपको, प्रेस हियर, आप अगर आप ऐसे लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी दिखाई दिया, और यही सेम एज इट इज चीज़ जो है आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। ये देखिए, प्रेस हियर। ओके, ये देखिए, जो आपने चेंजेस जो किए हैं, वो चेंजेस आपको यहाँ पर भी आपको जो कम्प्लीटली जो दिखाई देने वाले हैं, कि एक्चुअली बराबर से हो नहीं पा रहा है। ओके, हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप समझ तो गए। ओके ओके, अगर आप हाँ ओके जी, ये हो गया। अब इसको अगर आपको कलर देना है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, आपको कुछ भी इसे आप दे सकते हो, जो मतलब कि पिंक दे दीजिए, देखिए पिंक। ओके, अब ये पिंक चेंजेस आपको देखना यहाँ पर भी दिखाई देगा, वो देखिए, देखिए जी, ये कम्प्लीटली जो है पिंक हो गया है। ओके, देखिए पिंक हो गया। अभी मैं देखिए, अब देखो बराबर से काम कर रहा है एक्चुअली। ओके ओके जी हाँ, ये आया। अब मैं इसे जो है पीछे रखता हूँ। अब आप इसमें इसका फॉन्ट आप कैसे भी कर सकते हैं, जिसके मतलब इसे कुछ अपने रूल्स हैं, फॉन्ट का साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके जी, इसको मैं 20 कर देता हूँ, ये देखिए बड़ा हो गया जी, ये बड़ा हुआ इसका साइज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ओके, अगर आपको यहाँ पर कुछ डाउट है तो आप जो है मीन्स देख सकते हैं, देखिए इसका साइज़ जो है बड़ा हो गया। ओके जी, अभी आपको अगर कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। ओके, अभी जो आपने जो लिखा हुआ आपको ये सेंटर में लेके आने का, जिस सेंटर में ऑलरेडी है ये
एक्चुअल में इसमें और बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो मैं आपको आते आने वाले दिनों में इसमें बताने वाला हूँ। अब आप इसी तरह कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको ना यहाँ पर जो है इमेज कुछ इमेज ला के पुटअप करना है जी। कुछ नहीं जी, इमेज अभी नहीं, अभी तो फिलहाल आप ये इसमें बटन्स और एक हम ला के क्लिक कर देते हैं और जो है लेबल लेके आ जाते हैं। ओके, ये देखिए आप इस पर क्लिक कीजिएगा वापस से यही। प्रेस वन में इसे नाम दे देता हूँ। ओके, फिर ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए अगर आपको इसे कलर इसका बदली करना है तो आप इसे कुछ भी दे सकते हो। देखिए रेड हो गया। अब टेक्स्ट फील्ड में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है। टेक्स्ट फील्ड में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मुनीर, ओके जी, आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे वो आपको सारे के सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ओके, अब ये चेंजेस आपको ऑब्जर्व करना है तो अगर आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे इस मोबाइल के इस पर, ये देखिए जो आपने बनाया है वो आपको यहाँ पर भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये बहुत ही बेसिक था, मैं आपको फैमिलियर करना चाह रहा था टूल के साथ। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले इस टाइम में मैं आपको कंप्लीट अच्छे से और भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। तो मेरा जो सेकंड जो आने वाला जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं आपको जो एंड्रॉइड फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सारा का सारा प्रोसेस। एक्चुअल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये जो मैंने ट्यूटोरियल अभी जो बनाया है ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे। ओके, उनके स्टेप्स भी मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर आके विंडोज़ को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आने के लिए आपको इसके बिगिनर पेज पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे आप, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पे आने के बाद सेट इंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, तो आपको पूछेगा आपके पास एंड्रॉयड है, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास ये है, तो मैं इस पे जब मैंने क्लिक किया था तो मैं डायरेक्टली इस पेज पे आ गया था। मैं एक बार वापस से करके दिखा दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर मैं इस पे क्लिक करने के बाद मुझे ये इंस्टॉल करना, अगर ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया तो फिर वो नहीं देगा। तो मैं इस पर इंस्टॉल कर लूँगा तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा तो मेरी स्क्रीन पर जो है ये ऐसा कुछ जनरेट होगा और वो भी मैंने आपको करके दिखाया था। ये देखिए ये आ गया। ओके ओके, फिर ये हो गया, फिर ये ब्लैक स्क्रीन आती है। फिर उसके बाद जब ब्लैक स्क्रीन आ जाती है तो मैं अपने एमुलेटर में जाता हूँ, जैसे MITF इन्वर्टर में जाके कनेक्ट में आके एमुलेटर को ऑन करता हूँ और कनेक्टिविटी चालू हो जाती है। फिर कुछ टाइम लेता है, ये भी मैंने आपको दिखाया। और फिर ये जो है ऐसा कुछ प्रोसेस होता है और ये सारी पहला स्टार्ट होता रहेगा तो ये आएगा, फिर ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, फिर ऐसा, फिर आप जब बना के आपको कुछ हो गया रहेगा तो ये फूड आपको ये दिखाई देगा। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है मेरे ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आप मुझे दे भी सकते हो। ओके, और मेरा जो अभी आने वाला अपकमिंग जो वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला रहूँगा कि आप किस तरीके से जो है एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट करके आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और अपने फ्रेंड को भी बोलिएगा वॉच आउट करने के लिए क्योंकि मैं आने वाले दिन में अच्छे से बनाने वाला हूँ फिलहाल अभी। ओके फ्रेंड्स, सो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे अच्छे से पूछ सकते हो। मैंने आपको मेरा FB का पेज भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस से। ओके जी, ये मेरा पेज है FB का, फैंस ऑफ IS। आप इस पर अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो कनेक्ट होके, तो मैं इससे आपसे फटाफट कुछ भी जो भी क्यूरी रहेगी उसे मैं जो है सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी मेहनत करके बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।